इन दिनों बॉलीवुड में बायोपिक फिल्में बनाने का चलन बढ़ गया है। साल 2019 भी बायोपिक फिल्मों से भरा हुआ है। इस साल कपिल देव के जीवन पर फिल्म बन रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की लाइफ पर भी फिल्म बन रही है। इस लिस्ट में बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल का नाम भी शामिल है। फिल्म की कास्ट पर काफी लंबे समय से चर्चाएं हो रही है। पहले खबर आई थी कि श्रद्धा कपूर फिल्म में साइना का रोल प्ले करती नजर आएगी, मगर अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जगह परिणीति चोपड़ा ने ले ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा ने बाकी फिल्मों में व्यस्तता के कारण इस फिल्म में काम न करने का निर्णय लिया है। उनके पास पहले से ही काफी फिल्में हो गई है। इस समय वह छिछोरे फिल्म की शूटिंग कर रही है, साथ ही स्ट्रीट डांसर 3D पर भी काम शुरू हो गया है। इसके अलावा बाहुबली फ्रेम प्रभास के अपोजिट उनकी फिल्म शाहो भी रिलीज को तैयार है। ऐसे में सान्या की बायोपिक के लिए श्रद्धा समय नहीं निकाल पा रही है। फिल्म में सान्या का रोल प्ले करने के लिए परिणीति चोपड़ा ने रुचि दिखाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें फिल्म में कास्ट कर लिया गया है। फिलहाल उन्होंने रोल में ढलने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी। प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा, हम सान्या की शूटिंग को साल 2019 के अंत तक खत्म करना चाहते हैं, ताकि फिल्म को 2020 की शुरुआती में ही रिलीज किया जा सके। हम खुश हैं कि परिणीति इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुई। सान्या ने देश का मान बढ़ाया है। उनकी लाइफ को दुनिया के सामने लाने के लिए हम बेहद उत्साहित हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं योगिता शर्मा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।